हेलो फ्रेंड्स, चैप्टर 9 आपका चल रहा था, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का। ये लेक्चर नंबर 7 होगा, ठीक है। लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन क्लास 10th चल रही है, साइंस बुक फॉलो की जा रही है। मेरा नाम हुआ प्रशांत कुमार पांडे, आप लोग देख रहे हैं मैथ्स वर्ल्ड एजुकेशन। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक ये है, रे डायग्राम एंड यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। देखो, सिर्फ हम लोग रे डायग्राम पढ़ेंगे आज के बारे में। टोटल 6 रे डायग्राम है कॉनकेव मिरर में, ठीक है। उन 6 में से आज हम लोग सिर्फ 3 को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और इनके बारे में पूरा डिटेल में आज हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन कि आप व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन करें, इसमें आपको सारे पीपीटी नोट्स वगैरह सब कुछ इसमें मिल जाते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। रे डायग्राम और इमेज फॉर्मेशन। देखो, रे डायग्राम क्या होता है ना, इमेज फॉर्मेशन, कि ऑब्जेक्ट रखेंगे कोई भी मिरर के सामने, जैसे कोई एक मिरर हो गया, ठीक है। इसके बाहर साइड पॉलिश्ड किया हुआ है। अगर मान लो कि मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा, ठीक है, और यहाँ से जब भी कोई इसका एक इमेज बनेगा तो वो इमेज कैसे बनेगा, ठीक है, कितने लाइट रेस को मिलाना होगा, ये सारे कुछ आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, हम लोग आज टॉपिक बेसिकली किसकी कौन सा मिरर के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम लोग स्फेरिकल मिरर्स के बारे में पढ़ेंगे, और स्फेरिकल मिरर्स में भी दो टाइप के होते हैं ना, कॉनकेव कॉन्वेक्स। तो हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे कॉनकेव के बारे में, ठीक है। तो देखो, इसमें रखने का टोटल 6 जगह है। मैं भी एक बार में समझा रहा हूँ कितने जगह है, कहाँ कहाँ। ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, साथ बोलना। ये हो गया क्या, पोल, पोल को पी से डिनोट करते हैं। चलो, ये हो गया फोकस, तो यहां से यहां क्या हो गया, फोकल लेंथ, ठीक है। और फोकल लेंथ तो ये क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इतना सा याद रखना है, ठीक है। और यहां से यहां क्या हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, जैसे ही तुमने यहां पे रखा, तो यहां टोटल इमेज को रखने का टोटल देखो कि 6 जगह है। कैसे, पहला तो इंफिनिटी, ये सन से आज चल रहा है लाइट, तो फर्स्ट क्या हो गया, इन्फिनिटी। दूसरा कहां हो गया, इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, तो कहां हुआ, बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। थर्ड में क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इमेज को रख देते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोर्थ क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में कहीं, इसके बीच में कहीं, तो सी एंड एफ के बीच में। सिक्स्थ पोजीशन क्या होगी, सिक्स्थ पोजीशन क्या होगी, फोकस पे ही रख दो, फोकस पे। सेवेंथ पोजीशन क्या होगी, अच्छा कहां तक बढ़ गया, 1 2 3 4, ये फिफ्थ होगा और ये सिक्स्थ होगा, बिटवीन फोकस एंड पोल। अब पोल पे तो रख नहीं सकते क्योंकि वो जीरो वैल्यू होता है, तो टोटल कितना हो गया, 6 जगह, इंफिनिटी पे, फिर इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर में, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, फिर फोकस पे, और फिर फोकस और पोल के बीच में, टोटल 6 बार में, ठीक है। तो आज हम लोग टोटल 3 के बारे में पढ़ते हैं, हो सके तो 2 ही बढ़ेंगे अगर ज़्यादा, अगर लंबा भी लेक्चर हो गया तो। देखो, जब भी लाइट से अगर कोई इमेज बनाना होता है तो मिनिमम 2 लाइट को एक दूसरे पे कट करना होगा, उसी को इमेज बोला जाता है, ठीक है, मिनिमम 2 लाइट। इससे पहले जो हमने रूल्स पढ़े थे कि आखिर लाइट किधर किधर जाएगी, तो उस रूल्स को तुम लोग पहले अच्छे से याद कर लेना। तो देखो, पहला क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। तो देखो, जब भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है, उससे जो लाइट रेस निकलते हैं वो हमेशा पैरेलल होती है। एक बात याद रख लेना कि जब भी इन्फिनिटी से लाइट निकलती है वो हमेशा पैरेलल होती है। किसके पैरेलल होती है, वो किसी भी चीज़ का पैरेलल होती है, ठीक है। वो प्रिंसिपल एक्सिस भी है ना, तो उसके भी पैरेलल होगी, मिरर होगी तो उससे भी पैरेलल होगी, क्योंकि वो बीम्स ना बहुत दूर से ट्रैवल करते करते आ रही है, तो जब वो पहुंचती है तो वो पैरेलल हो जाती है, ठीक है।
तो जब भी कोई चीज ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो उससे पैरेलल लाइट निकलेंगी, तो पहला पैरेलल लाइट यहाँ निकला। चलो मैं यहाँ समझाता हूँ, ठीक है। ये मिरर हुआ, मिरर के बाहर मैंने पेंट मार दिया तो ये क्या बन गया, कॉनकेव। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस। ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब भी इन्फिनिटी से लाइट रेस आएगी तो चलो वो पैरेलल आएगी, तो पहला पैरेलल लाइट आया, टकराया। अब रूल क्या कहता है कि जब भी कोई लाइट पैरेलल आती है तो फोकस से क्रॉस कर जाती है, ठीक है। ये हुआ तुम्हारा पहला। दूसरा, ये भी तो पैरेलल लाइट आएगी, ठीक है। तो जब दूसरा पैरेलल लाइट आएंगी तो वो भी टकराएगा, और वो भी किससे पास हो जाएगा, वो भी फोकस से पास हो जाएगा, ठीक है। तो बता दोनों लाइट कहाँ काटी एक दूसरे को, आफ्टर रिफ्लेक्शन, यहां मत देख लेना, ठीक है, क्योंकि ये तो दोनों रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ काटी है, तो रिफ्लेक्शन के बाद इस पॉइंट पे कटी, तो इमेज कहाँ बना, यहाँ पे बना, ठीक है। देखो कितना बड़ा ऑब्जेक्ट था और कितना छोटा इमेज बना है, ठीक है। अब देखो इमेज का पोजीशन कहाँ है, एफ पे, ठीक है। तो इमेज कहाँ बनी है, एफ पे। दो पैरेलल लाइट आई, टकराई और फोकस पे गिर गई। दो पैरेलल लाइट आई, टकराई और फोकस पे गिर गई। अब जब दोनों एक दूसरे को कटे, कहाँ पे कटे, तो वो कटे फोकस पे, राइट। अब देखो नेचर ऑफ इमेज रियल है भाई, रियल लाइट से कट के बन रही है ना, ऐसा थोड़ी है कि यहाँ पे टकराई यहीं से डाइवर्ट हो गई फिर मालूम चला अच्छा ये तो उधर मिल ही नहीं रहा, फिर यहाँ इमेज, इमेज का मैंने बताया था ना आपको, ठीक है। तो ये तो रियल लाइट से मिल रही है। दूसरा क्या, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मतलब उल्टा। अब तुम यहाँ कैसे जज कर सकते हो कि ये रियल है कि इन्वर्टेड है, ये तो पूरा डॉट साइज होता है, इसलिए हम लोग इसको बोल देते हैं इन्वर्टेड है, क्योंकि जितने रियल इमेज होते हैं ना वो सारे इन्वर्टेड होते हैं, ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग इन्वर्टेड बोल देते हैं, ठीक है। वैसे तो हम लोग पता ही नहीं कर सकते कि ये रियल इन्वर्टेड है कि इरेक्ट है, लेकिन जितने रियल इमेज होते हैं वो क्या होते हैं, इन्वर्टेड होते हैं, इसलिए हम लोग इसको बोल देते हैं कि ये भी ए इन्वर्टेड होगा, ठीक है। वैसे बता नहीं सकते इसको कि हम लोग इन्वर्टेड है कि इरेक्ट है, ठीक है। साइज इसका देख लेते हैं, तो देखो ऑब्जेक्ट कितना बड़ा था, सन कितना बड़ा है, सन के सामने मिरर छोटा पड़ जाएगा, लेकिन उसका फिगर देखो कितना बना है एक पॉइंट के साइज में, तो वही बोला जाता है साइज कैसे है, पॉइंट साइज्ड और हाईली डिमिनिस्ड, मतलब बहुत छोटा, ठीक है। तो ये हुआ केस नंबर वन, जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखेंगे, बहुत दूर पे रखेंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं दूसरे लॉ की तरफ। लॉ नंबर टू क्या कहता है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, मतलब सी के पीछे हो। तो देखो हम भी एक ब्लैंक पेज पे ले लेते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको इरेज मार देता हूँ क्योंकि आप लोग को रिवीजन करने में आसानी होगी, ठीक है। ये बनाया हमने मिरर, मिरर को बनाने के बाद एक हमने क्या बनाते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बनाते हैं, क्या बनाते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, जिसको हम लोग पी एक्स से डिनोट करते हैं। ये क्या हो गया पॉइंट, इसको बोला जाएगा पोल, इसको क्या बोला जाएगा फोकस, इसको क्या बोला जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। और थोड़ा सा आगे और बढ़ा देते हैं, अब हम लोग का जो इमेज रहेगा ना वो किधर रहेगा, वो अब हम लोग का इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में रहेगा, ठीक है। तो पहला लाइट रेस कहाँ भेज दो, पैरेलल भेज दो। देख भाई दो लाइट रेस को मिलानी है, तुमको जैसे मिलाना है तुम वैसे मिलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला मैं क्या करता हूँ कि लाइट को पैरेलल भेज देता हूँ, पैरेलल लाइट गई तो पहला लाइट क्या होती है, फोकस से क्रॉस हो जाती है। दूसरा लाइट रेस को जब हम भेजेंगे तो काम करो या तुम सेंटर ऑफ कर्चर से भेज दो, नहीं तो फोकस की तरफ से भेज दो। जब फोकस की साइड से भेजोगे तो इधर इन्फिनिटी पे कट जाएगा, मतलब इधर कहीं कटेगा वो भी पैरेलल जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेज दूँ चाहे तो फोकस से, तुम्हारा जो मन है वो उससे तुम भेज सकते हो, या तो पोल पे भी इंसिडेंट्स कर सकते हो, लेकिन पोल के इंसिडेंट्स करने के बाद तुमको पूरा नापना उपना पड़ेगा। तो एक काम करो ज़्यादा टेंशन नहीं लो, फोकस से क्रॉस कर दो। फोकस से क्रॉस हुआ, आफ्टर रिफ्लेक्शन
देखो आफ्टर रिफ्लेक्शन तुम्हारा किधर चला गया, इधर, तो मिली कहाँ, इस पॉइंट पे। तो जब तुम इसका इमेज देखोगे तो ये इमेज कुछ ऐसा बनेगा, राइट। इमेज कहाँ बना, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बना, ठीक है। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट था उससे छोटा सा इमेज बना है, ठीक है। अब देखते हैं, यहां पे लाइट गई पैरेलल, पहला लाइट इन लोगों ने क्या भेजा, पैरेलल भेजा, उसके बाद फोकस से क्रॉस करा दिया और फिर इधर चला गया। दूसरा लाइट रेस इन्होंने क्या भेजा, सेंटर ऑफ कैरेक्टर से भेजा। सेंटर ऑफ कैरेक्टर से जब भेजने पे क्या होता है कि वो उसी पाथ पे रिटर्न हो जाता है, ठीक है। लेकिन मैंने क्या किया था कि मैंने फोकस से भेजा और वो यहां से रिटर्न होने पर ऐसे चला गया था। इमेज यही बनेगा, सारा इमेज यही बनेगा, ठीक है। तो जब यहां पे रिटर्न कटा तो कटने के बाद यहां से क्या बना, ये बन गया तुम्हारा इमेज, राइट। रियल इमेज बना, रियल बना ना, ठीक है, रियल इमेज बना। दूसरा क्या बना, इन्वर्टेड बना। इन्वर्टेड मतलब उल्टा। देखो ये इधर इसका डायरेक्शन है, इसका डायरेक्शन इस साइड है, नीचे साइड है, तो ये इन्वर्टेड हो गया। रियल क्यों बना, क्योंकि सारे रियल लाइट से कट के बन रहे हैं, ठीक है। साइज कैसा बना, डिमिनिश, हाईली डिमिश तो नहीं बना ना, कम से कम दिख तो रहा है, हाँ भैया इसका सर पैर मुंडी उंडी है, ठीक है। तो ये हाईली डिमिश्ड तो बना, लेकिन डिमिनिश्ड बना। इसका अगर 5 सेंटीमीटर होगा तो ये 5 सेंटीमीटर से लेस है। अब देखो थर्ड वाला लॉ क्या कहता है, व्हेन ऑब्जेक्ट एट सी, सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो देखो ये हमने, अब मेरे साथ दोहरा, ये क्या हुआ पोल, ये क्या हुआ फोकस, और ये क्या हुआ सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ऑब्जेक्ट कहाँ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर में है। तो देखो जब भी, पहला रूल क्या कहता है कि तुम एक पैरल लाइट भेज दो, आंख बंद के पहला पैरल लाइट भेज दो, ठीक है, क्योंकि ये सबसे आसान लाइट होता है। आया फोकस से क्रॉस हो गया, कोई दिक्कत। दूसरा हुआ कि आप एक काम करो कि पोल पे इंसिडेंट करवा दो और फिर यहां पे जितना इंसिडेंट हुआ उसी डिग्री से रिटर्न करवा दो, ठीक है, या फिर तुम एक काम करो फोकस से इंसिडेंट करवाओ और आफ्टर रिफ्लेक्शन तुम इसको इधर से भेज सकते हो। एक्चुअली पे थोड़ा सा मेरे ख्याल से इरर हुआ है, ठीक है, ऐसा नहीं बनेगा। जब तुम यहां से इंसिडेंट करवाओगे तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कुछ ऐसा जाएगा, ठीक है, ये समझो कि इसी पॉइंट पे है। ये देखो एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे कटना चाहिए था, ठीक है, यहां पे कटेगा अभी, क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई नहीं है पेज, ठीक है, इसलिए मैं नहीं समझा पा रहा हूं, ठीक है, नहीं बन पा रहा है। लेकिन जब तुम एक परफेक्ट कैलकुलेशन करोगे तब तुमको पता चलेगा, अच्छा ये एक सही कैलकुलेशन है, ठीक है। बस समझो ऐसा, पहला तो तुमने पैरेलल भेजा, इसके प्रिंसिपल एक्सिस के जब पैरेलल भेजा तो किधर से क्रॉस हो गया, वो क्रॉस हो गया तुम्हारा फोकस के थ्रू से, राइट। अब जैसे ही फोकस के थ्रू पहला लाइट क्रॉस हुआ, दूसरा लाइट को तुमने कैसे भेज दिया, फोकस के थ्रू, पहले पैरेलल भेजा तो फोकस के थ्रू, अब तुमने फोकस के थ्रू भेजा तो पैरेलल हो गया। अब पैरेलल हुआ तो जस्ट नीचे कटा है इसका, यानी कि जब भी तुम इसको इंसिडेंट करोगे तो उसका जो इमेज है वो सी पे ही बनेगा, ठीक है, और सेम साइज का बनेगा। देखो इसका साइज और इसका साइज लगभग सेम है, ठीक है। तो वही यहां कहना चाह रहा है कि जैसे ही तुमने सी पे रखा, ये ऑब्जेक्ट को तुमने सी पे रखा, ठीक है, तो इसका जो इमेज है वो भी सी के जस्ट नीचे बन रहा है, ठीक है, ये कहां पे, बीच में। तो इमेज का पोजीशन कहाँ है, सी पे, रियल है, हाँ भैया रियल है, क्योंकि रियल लाइट से ही टकरा रहे हैं। देखो ये रियल लाइट था, रियल लाइट मिला यहाँ पे, दूसरा वाला भी रियल लाइट था तो वो भी रियल लाइट से ही बना है, तो ये रियल इमेज हुआ। इन्वर्टेड है, ये देखो इसका डायरेक्शन अलाइनमेंट इधर है, इसका अलाइनमेंट नीचे की ओर, तो इन्वर्टेड हो गया। साइज क्या है, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट का सेम साइज है। ऑब्जेक्ट अगर 5 सेंटीमीटर का होगा तो ये भी 5 सेंटीमीटर का ही होगा। तो ये टोटल 3 लॉ आज मैंने आपको कंप्लीट करवाए, ठीक है। पहला लॉ क्या था कि जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखोगे तो उसका इमेज फोकस पे बनेगा, जब ऑब्जेक्ट को सी पे रखोगे तो उसका इमेज, सॉरी बियॉन्ड सी रखोगे तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, बिटवीन सी एंड एफ, और जब इमेज ऑब्जेक्ट को सी पे रखोगे तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, सी पे ही बनेगा। तो ये टोटल 3 लॉ आज हमने बताया, टोटल और भी लॉ होते हैं,
तो उन सभी लॉ को मैं अगले वीडियो में कवर करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, कीप स्टडी।